दोस्तों कोरोना को हल्के में मत लेना, वैक्सीन लगा लेना, आप जिंदा बच जाओगे। गाइज मेरे चैनल पे आपको जो न्यूज़पेपर्स या फिर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई या फिर आपके जो न्यूज़ है चैनल, उसमें जो न्यूज़ आती है उसमें आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई जाती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताया जाता। वो मैं आपको लेस देन 5 मिनट्स में आप तक ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि कोरोना का सेकेंड वेव के पीछे का क्या रियलिटी है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी तरीके से समझ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेकेंड वेव जो है इसके पीछे की क्या रियलिटी है। देखो यार, 19 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि भाई ये बहुत बड़ा बवंडर हो चुका है और अब ये जो केसेस है बहुत भयानक तरीके से बढ़ने वाले हैं और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई 18 ईयर्स एंड अबव सबके सब वैक्सीन करा सकते हैं। उन्हें पता था कि ये चीज़ होने नहीं वाली है, फिर भी उन्होंने कर दिया, एक दो लोगों को एक तरीके से मिसगाइड करने के लिए। और इस चीज़ का प्रूफ क्या है, क्योंकि उसी टाइम के अराउंड हमारे इंडिया के आप देख पा रहे होंगे इमेजेस, हमारे जो अदार पूना वाला है, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े बड़े रिचेस्ट लोग हैं, जो टॉप 2-3% लोग हैं और 2 से 3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया से बाहर चले गए उसी टाइम पे। क्योंकि कुछ लोग लंदन चले गए, कुछ लोग यूरोप चले गए, क्योंकि 24 अप्रैल को हम वहाँ की बॉर्डर्स जो है क्लोज होने वाली थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो ये सब अपने प्राइवेट जेट्स में जाके वहाँ पे चले गए, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया आज की तारीख में अनसेफ है। और सोचिए आप और मैं, हम जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं ऐसे हालात में। तो दोस्तों ये इस चीज़ का प्रूफ है ना कि इंडिया अनसेफ है। तभी तो वो लोग कहे, अगर इंडिया सेफ होता वो क्यों जाते, क्या कारण रहता है इसके पीछे का, मुझे तो कोई कारण नहीं समझ में आता। अब ये सारी चीज़ें जो ये न्यूज़ चैनल वाले बताएंगे नहीं, न्यूज़पेपर्स में आएंगी नहीं, लेकिन आपको ये सब सब चीज़ें पता होनी चाहिए प्रूफ के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब व्हाट्सएप पे जो भी आता है वो हमें पता है कितना फेक है कितना ट्रू है, उसके बारे में हम ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप तक एक ऑथेंटिक चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो दोस्तों 19 अप्रैल को गवर्नमेंट को रियलाइज हो चुका था कि भाई अब चीज़ें हाथ से गुजर चुकी हैं और सेकेंड वेव जो अभी बढ़ता ही जाने वाला है। तो इसके बाद जो हमको जितनी भी ऑक्सीजन की सप्लाई मिली या फिर जो भी हमको लोगों ने हेल्प की, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज है, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने बड़े बड़े ग्रांट्स दिए, कुछ लोगों ने हमको ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर्स दिए, कुछ लोगों ने हमको पीपी किट्स दी, कुछ लोगों ने हमको दवाइयाँ दी, कुछ लोगों ने हमको वैक्सीन दिए, ये सब भी हमको मिला। हमारे इंडिया में बाहर से ऑक्सीजन आया है, हमने खुद की हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत पहले ये सब चीज़ें पता थी कि कितना भी हमको मिल जाए, कितना भी हम एडजस्ट कर ले, सेकेंड वेव दबने नहीं वाली है, लोग जो हैं वो मरने ही वाले हैं और ये चीज़ संभाल नहीं पाएंगे हम। इसी वजह से उन्होंने को वैक्सीन का अनाउंस कर दिया और वैक्सीन भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। आप देख चुके हैं कि भाई फर्स्ट में से कितने एडल्ट्स को 18 अबव को मिली है और वैक्सीन सप्लाई ही नहीं है। अब मैं इसके पीछे का वो कारण बताऊंगा जो आज तक न्यूज़पेपर्स में, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनमें नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ही अलग क्राउड पढ़ते हैं, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गए, लाइव मिंट हो गए, हिंदू हो गए, उनमें ही ये सब न्यूज़ आती है। दोस्तों इसके पीछे का कारण है, इंडिया ने वैक्सीन के ऑर्डर्स दिए ही नहीं थे अप अंटिल मई। जब मई आने लगा, टुवर्ड्स दी एंड ऑफ मई, तब उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट अदार पूना वाले को दिए ऑर्डर्स, और ये अदार पूना वाला खुद लंदन से बोल चुके हैं वायर न्यूज़। तो गाइज अगर वैक्सीन के ऑर्डर ही नहीं देगी गवर्नमेंट तो हमको वैक्सीन मिलेंगे कैसे? तो एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगले 2 से 3 महीने, जुलाई, कम से कम जून से जुलाई, हमको वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। आएंगी, थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हफड़ा तफड़ी होगी। आज की मैं आपको खबर बताता हूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की क्या 12th ऑफ मई, 12th ऑफ मई को, मैं 13th मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12th ऑफ मई को मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि महाराष्ट्र में सिर्फ जो सेकेंड डोज है लोगों को वो ही मिलेगा, 45+ होगा कोई भी है, जो 18 to 45 तो मिल भी नहीं रहा है, 45+ में भी सिर्फ सेकेंड डोज, यानी किसी और फर्स्ट डोज लगाना है तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्हें भी पता है हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अब नए लोगों को एक डोज लगाने की बजाय दो, जिन लोगों को 2 डोज लगाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये उनके पीछे का कारण है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अन्याय है एक तरीके से जो हमारे साथ हुआ है। दोस्तों मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो बेसिकली, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे हॉस्पिटल्स है, वो इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। ये हमारे बड़े लीडर्स को पता चल चुका था 1 महीना पहले, इसी वजह से उन्होंने, अब कोई न्यूज़ पे ना आता है, ना मोदी जी आते हैं, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, अब सब शांत बैठे हैं कि भाई जब ये सेकेंड वेव शांत होगी तो
तभी हम करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेकेंड वेव जो है ये जितना टाइम इसको बढ़ने में लगता है उतना ही इसको नीचे आने में भी लगता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि एकदम से केसेस डे बाय डे 30, 40, 50, 60, 70,000 ऐसे डे बाय डे कम होते जाएंगे। नहीं, इस वेव का पीक आएगा मेरे अंदाजन में, देखिए इसका पीक कोई बता नहीं सकता है, लेकिन एक टेंटेटिव है कि ये पीक आएगा करीब करीब मिड ऑफ मतलब करीब एंड ऑफ मई के आसपास। 15 दिन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होते होते ये अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास ये मतलब नॉर्मल जैसे मार्च के टाइम महीने में हालात थे डेली के जो केसेस थे वैसे होगा। तो आप अगर अब आप बोलेंगे ये सब इन्फॉर्मेशन का हमें क्या काम, देखिए अगर आपके कोई भी प्लान्स हैं, कोई आपको ट्रैवल करना है, कोई आपको काम से कहीं जाना है, या आपके घर में कोई फंक्शन है जिसके वजह से आपको कुछ भी प्लान्स करने हैं, तो आप वो अगस्त के बाद ही कीजिएगा, उसके पहले मत कीजिएगा। और उसके बाद इसकी थर्ड वेव जो है वो दिवाली के आसपास आएगी, नवंबर दिसंबर, जो कि फिर फरवरी में जाके फरवरी मार्च में ख़त्म होगी। और उसके बाद अगर हमारा वैक्सीनेशन अच्छे से हो गया रहा तो एक ये सीजनल बीमारी बन के रह जाएगी। दोस्तों हमारे साथ इतना ज़्यादा धोखा किया जा रहा है कि डेली के जो डेथ्स हैं वो ऑफिशियली 3,500 और डेली के जो केसेस हैं वो करीब 4 लाख के आसपास, करीब 4 लाख से कम ही बताए जा रहे हैं, लेकिन ये असली फिगर्स नहीं है। आप और मैं अब तो शमशान में इतनी जो लाशें जल रही हैं वो हम देख के बता सकते हैं। तो मैं जितना भी मैंने करीब 8-10 न्यूज़पेपर्स और सब में जो एनालाइज़ किया है, मेरे अंदाजे में ये फिगर्स आपको भी अभी यही सब जगह पता चलेंगे कि एक्चुअल डेथ के फिगर्स इंडिया में पर डे 20,000 है, और एक्चुअल जो केसेस हो रहे हैं वो 25 से 30 लाख कोरोना के एवरी डे पॉजिटिव केसेस है। एवरी डे डेथ्स 20,000 एंड एवरी डे केसेस 25 से 30 लाख। तो हम तो अमेरिका को बहुत पीछे पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियल फिगर्स जो है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि हम केसेस को दबा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। दोस्तों मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि भाई 31 जुलाई के आसपास ही वैक्सीन का सप्लाई अच्छे से आएगा, तो तब तक आप अपने आप को बहुत सेफ रखिएगा, क्योंकि आज की तारीख में इस देश में आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। बस मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो रिच वर्ल्ड है या जो लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगा ली है बड़ी कंट्रीज में, अगर वहाँ सब सेफ रहने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बायो बबल बना देंगे, कुछ भी कर देंगे। आज आईपीएल के साथ क्या हुआ, उनका बायो बबल ब्रेक हो ही गया ना, उन्होंने होने से पहले ही कहा गया था कि भाई हमारा बायो बबल हम बना के करेंगे, हमारे यहाँ पे कोई कुछ केसेस नहीं होने वाले। लेकिन वायरस किसी की सुनता तो है नहीं कि भाई तुम पैसे वाले हो, तुमने बायो बबल बनाया, वो तो अपने हिसाब से चलता है। और वो हो ही गया ना, आईपीएल कैंसिल हो ही गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर ये जो रिच वर्ल्ड है, अगर ये हमारे जैसे वर्ल्ड की हेल्प नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वायरस उनके पास फिर आ जाएगा। अभी जैसे सारे ट्रैवल बैंस लगे थे, जब खुले उसके सेकेंड म्यूटेंट इंडिया का जो वेरियंट है वो तो चला ही गया वापस, वर्ल्ड की 20-40 कंट्रीज में पाया गया। तो यार ये आप अगर सोच रहे हो अभी फिर से बैन लग चुके हैं, अब ये जब खुलेंगे उसके बाद फिर से अगर इंडिया में ये वायरस घूमता रहा तो ये तो थर्ड वेव जैसे आएगी, तो ये तो होने ही वाला है, उनके वहाँ फिर से जाने वाला है। तो या तो सबको वैक्सीन लगा दो या तो किसी को मत लगाओ, क्योंकि यही इस चीज़ का फंड है। अब किसी को नहीं लगाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए सबको दीजिए ताकि सब हेल्दी जल्दी हो पाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंथनी फॉची जो है अमेरिका के जो सबसे बड़े लीड वायरोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के लिए उन्होंने सजेशन दिया है कि आप पूरे देश में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए और सबको वैक्सीनेट कर दीजिए, तभी आपका ये जो सेकेंड वेव है ये बंद होगा और ये धीरे धीरे जो वायरस घूमता है ये रुकेगा। ये चीज़ इंडिया को भी पता है, इंडिया भी करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, इंडिया ने वैक्सीन के ऑर्डर दिए नहीं है। जब वैक्सीन के ऑर्डर दिए नहीं है, तो जब वैक्सीन ही नहीं है तो 15 दिन का लॉकडाउन तो कर देंगे, वो तो चल भी रहा है हर रीजन स्टेट में अपने अपने हिसाब से चल रहा है। जैसे मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, महाराष्ट्र में तो हो ही रहा है लॉकडाउन, लेकिन हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है क्योंकि हमने ऑर्डर ही नहीं दिए। तो यार ये चीज़ दोस्तों मेरा आपको बस ये बताने का मोटिव है कि आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई से पहले चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाली हैं, अगस्त के महीने में ही चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी, वैक्सीन का सप्लाई भी उसके पहले नहीं आने वाला। मैं खुद 18 ईयर से अनुभव हूँ, मैं अपने लिए वैक्सीन का स्लॉट बुक करना चाहता हूँ, स्लॉट बुक हो नहीं रहा है। ओटीपी के लिए थोड़ी हर्षवर्धन जी को बिठाया हुआ है। कहने का मतलब है कि आप अपना ख्याल रखें, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। और आपके अगर किसी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ पता चले, जो कि जो फेक या फॉल्स वीडियो नहीं है, या अगर क्या बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जैसे फेक न्यूज़ नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे मैं बताना हूँ, तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर करो। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।